दिलशाद के साथ हुआ बड़ा कांड, क्षेत्र में फैली सनसनी, बेखौफ बदमाशों ने कर दी हत्या। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जी हां, बिहार के सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले में एक मुर्गा व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। पूरी घटना जीरादेई थाना और आसाम थाना के बॉर्डर क्षेत्र के खली की रामपुर और हरपुर के बीच में अहले सुबह गेहूं के खेत में एक मृत व्यक्ति की शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद प्रशासन को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृत व्यक्ति की पहचान जामापुर निवासी दिलशाद अहमद पिता अली अहमद के रूप में की गई है, जो मुर्गा की दुकान चलाता है। बताया जा रहा है कि देर रात्रि में सिवान जिले के जीरादेई थाना क्षेत्र में एक युवक को गंभीर रूप से चाकू से गोद गोद कर हत्या कर गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था। जब सुबह खेत में लगे फसल को काटने के लिए खेत मालिक गए तो देखे कि एक मोटरसाइकिल सहित नीचे जमीन पर एक युवक को मारकर फेंका गया है। उसके बाद धीरे धीरे लोग जमा हुए तो पहचान में आया कि यह जमापुर निवासी मुर्गा की दुकान चलाने वाले युवक अली अहमद का पुत्र दिलशाद अहमद है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना को लेकर समाजसेवी श्रीनिवास यादव ने पुलिस पदाधिकारी से यह मांग किया है कि इस घटना को गंभीरता से लेकर जाँच कर इसमें जो शामिल है उन्हें अविलंब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार घटना के बाद परिजन शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। लगातार जिस तरह से बिहार में अपराधी अपना तांडव दिखा रहे हैं, यहां तक कि दिन दहाड़े किसी की भी हत्या तो किसी के साथ लूट जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिस तरह सिवान में मुर्गा दुकानदार को चाकू मारकर हत्या किया गया है, देखना होगा इस मामले में सिवान पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है, कब तक आरोपित को पकड़ पाती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि किस वजह से मुर्गा व्यवसायी की हत्या की गई उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पूरा खुलासा पुलिस कब तक कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।